Yeah, hi. Yeah, anybody else? Anybody a reflection else? Of the family. Siddharth Pawar. मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ. इस फिल्म में मैंने कुछ 28-29 दिन काम किया होगा, या पता है 22 दिन, और ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैंने इसके साथ झगड़ा नहीं किया हो सेट पे डायरेक्टर के साथ. ये आप तमाम पूरे स्टार कास्ट से पूछ सकते हैं. रोजाना हमारा झगड़ा होता था, रोज. कोई क्रिएटिव बात भी नहीं, हमारा झगड़ा होता था सिर्फ एग्जीक्यूशन में कि कहां से क्या लेता है. तो ये एक नहीं, झगड़ा नहीं होता था. झगड़ा नहीं होता था बिकॉज झगड़ा टू साइडेड होता है. यहाँ वन साइडेड सुनना है आपको. हाय, आई थिंक इससे से थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ रूना हियर. इससे से थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ मेरा सवाल है. व्हेन आई वॉच द फिल्म आई रियली लव यू ऋषि जी एंड सेम ऑल थ्री न्यूज नाउ आई मीन न्यू फेस एंड न्यू जनरेशन फेस. ये फिल्म देखने के 3 दिन बाद ही मैं मेरे हस्बैंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मम्मी डिस्कस कर रही है. आपने जब पूरी फिल्म फिनिश कर ली तो सच बताइए व्हाट वाज द रिएक्शन? क्या फिर उसी मोमेंट को जी रहे थे या फिर इट वाज थॉट प्रोवोकिंग एंड टेकिंग यू टू द नेक्स्ट स्टेप? मैं ऐसा सोच रहा था ओ माय गॉड फिर 5 घंटे. व्हाट अबाउट यू रत्ना जी एंड रजत जी एंड सॉरी आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. सवाल क्या था? नहीं कोई नहीं. जब ये फिल्म मैंने देखी आई थिंक 3 दिन बाद भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार इसमें ये अच्छा था, वो प्लम्बर भी बड़ा अच्छा था जो बेचारा पैसे के लिए टेंशन में आ गया था. अमरजीत वो यही है हमारे, आए हैं इधर. वो बुबली और प्लम्बर जी हैं यहाँ पे. बुबली थैंक यू फॉर कमिंग. ओके सो ग्रेट. ये सब फिल्म देखने के बाद भी बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं, फैमिली में डिस्कशन हो रहे हैं. जब आपने पूरी फिल्म फिनिश कर ली क्या ये आपके लिए भी एक नेक्स्ट स्टेप था थॉट प्रोसेस के लिए? द वे शी सेड कि फैमिली में वापस जाना है, फैमिली को जैसे ऋषि जी वापस खींच कर लेके आते हैं कि वट एवर एक फोटो तो होना ही चाहिए, मेंबर हो नहीं हो तो क्या इसने भी आपको, यानी कि अगर सीक्वल बनेगी तो आई होप आई एम पार्ट ऑफ इट जरूर. और हम इनको भूत बना करके ले आएंगे. आई थिंक दैट विल बी फन. So we could do a horror, not a cutout. We'll do a ghost number. So horror genre. That cutout comes alive. Suddenly Papa आ गया इसमें. और मेरा जहाँ बात है कि मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है, तो एक सेल्फी ले लिया तो हो गया फैमिली फोटो. Hello. Can I just tell you, I met somebody last night, who's you know, a parent whose child is coming back from the US for 2 days. And she had taken over his room and made it into the dining room of the family. And she said after seeing the film yesterday afternoon, she took a decision, I'm not going to give him his room. Now it's my room. So I thought that was really, really super. Sid, do you have any about your family back home? About my, just like, I think I saw it with my family here. I mean, I did see it with my family here. My brother was sitting next to me. And I never saw it so expressive. ऐसे रिएक्शंस, वो ऐसे आवाजें निकाल रहा था मैंने कभी नहीं सुनी. तो एंड ही वुड लाफ एंड ही वुड कीप पैटिंग माय बैक. देखते देखते वो खुश हो रहा था, मेरी पीठ थपथपा रहा था. तो आई थिंक बिटवीन मी एंड माय ब्रदर, हमारा इतने सालों में कभी ऐसा इमोशनल मोमेंट नहीं हुआ जो इस पिक्चर के बाद हुआ. सो आई थिंक आई हैव गॉन क्लोजर टू माय ब्रदर. मैं उसको रिसेंटली मिला, ही वाज अगेन टॉकिंग अबाउट द फिल्म एंड ही कीप्स एसोसिएटिंग हिमसेल्फ विद फवाद. So yeah, I think thanks to that, my brother and me have had many more emotional chats. He's not. I said if he's associated with Pawar, he's your sister-in-law, should worry. Bhai kab hai? Brotherly love. Pawar, actually, I want to ask you. You just come back from screenings in Lahore and Islamabad and everywhere else. What was the feedback? What was the feedback back home? It's been great feedback. Unanimously, it's been a loved film. Unanimously. और सबके सब लोगों ने इतना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया and they've come out almost, you know, like screaming, yeah, what a film, क्या फिल्म बना दी है. So they loved every bit of it. फवाद, आपसे एक सवाल. बहुत अच्छा किरदार आपने निभाया और करियर के इस मुकाम पे इस तरह का किरदार और इतने सेंसिटिव वे में किरदार निभाने का जो आपका जज्बा है उसको सलाम करते हैं, लेकिन करते हुए कुछ घबराहट थी? सच पूछेंगे तो अर्लियर लास्ट ईयर एंड आई फील के इस तरह दिस फिल्म हैज टॉट मी अ लॉट.
It's taught me a lot. I'm not saying I was an intolerant man before the film. I was never intolerant. But करते वक्त हाँ शुरू में घबराहट हुई थी कि क्या होगा रिएक्शन किस तरह लोग सोचेंगे इन ऑल ऑफ दैट बट आई हैव सच अ वंडरफुल टीम यू नो दैट आई इन्वेस्टेड माय ट्रस्ट इन एंड इट्स पेड ऑफ एंड आई फील कि जो बीच में आई थिंक पिछले साल जो एक को टाइम आया था जब पूरी दुनिया में जो है ये कॉन्स्टेंट एक एक्टिव डिस्कशन चल रही थी some of the reactions kind of made me angry ke matlab jo jo negative I'm not everyone's entitled to their opinion but I feel ki duniya mein itna kuch hai ye to sirf matlab ek kahani hai jisme log ek dusre se pyar kar rahe hain so that being a part of it I think towards the end I came to the resolution ke it's you know it's just another person in a family so there should be nothing really shocking about it and the way they've dealt with it is wonderful I think ke aam taur pe फिल्मों में जब इंटीमेट सीन्स भी होते हैं शुरू शुरू में होते थे लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते थे आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम दे स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू इट एंड दिस इज समथिंग आल्सो दैट पीपल आर स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू एज वेल एंड इट्स अ वेरी वेलकमिंग नोट एंड द पीपल हैव लव्ड इट नो वन हैज टॉक्ड नेगेटिवली अबाउट इट एनीवेयर